बोले करते हैं भगवान की स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर ओ स्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर बोले बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम जय माता दी। पंजाब की पावन धरा पठानकोट में पधारे सभी धर्म देवी आस्थावान एवं कथा रसिक, आज से तीन दिन तक हम आप सभी माई के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करेंगे और आज तीन दिवसीय कथा का आज प्रथम दिन है। सर्वप्रथम हम आप सभी आज की मंगलमय पावन आरती में प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री स्वर्ण सिंह सलारिया जी एवं उनकी धर्म पत्नी उनका परिवार श्री संतोष सलारिया जी। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। ईश्वर धाम की सन्यासी बाबा
प्रभुपाद की, दादा गुरुजी महाराज की, कथा जजमान की, उनके पूरे परिवार की, पंजाब के पगलन की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी, अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो दिन में 12 बजे से बैठे के गुरुजी अब आ रहे हम अबे 6 बजे आए, जो दिन भर गाली बकत रही पगलन की भी। साधु जी जोर से बोलो, ओ साधु जी की हाल है? ठीक है। ठंडी लग रही है? ये होता तुम्हारा क्या कहना है? ये पंजाबी बात है। परात पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा मंगलमयी दया का प्रभाव, श्री सीताराम जी सरकार के अनुग्रह से समस्त जगत में जिनकी कृपा से चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु दीनानाथ भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, धन्य है वीर बजरंग बली। भैया ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, दादा गुरुजी के चरणों को प्रणाम, एवं भगवती माता वैष्णो माता के चरणों को प्रणाम, बगलामुखी माता को प्रणाम, माँ नैना देवी के चरणों को प्रणाम, साथ ही हमारे वाम भाग में विराजमान धरती के चलते फिरते भगवान इस पंजाब क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सभी साधु महापुरुष आचार्य गण विराजमान हैं, सभी के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। दक्षिण भाग में भी विराजमान पूज्य महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरण अलग डाली, पठानकोट के भीतर हो पूरे रास्ता भर माला गला फूल गले, लेकिन इस बहाने हमने पठानकोट भी देख लिया। रुको रुको रुको, जल्दबाजी ना करो। केवल हमने पठानकोट नहीं देखा, पठानकोट में सनातन के प्रति हिंदुत्व का उबाल भी देखा है। हाँ, घर घर से जो लोग निकल कर आए, वैसा तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत थी, हमें बहुत कष्ट हुआ। हमारी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, पूरी पुलिस प्रशासन ने हमको साकुशल यहाँ तक पहुँचाया, बहुत मेहनत की, वर्दी गीली हो गई, किसी को चोटें भी लग रही थी, फिर भी अपने शरीर को अड़ा अड़ा करके हमें बचा कर यहाँ तक ले आए पगलों से, वरना हमें आज पठानकोट की गली में लग रहे थे कि गुरु जी राम नाम। हमारी माता जी कह रही थी सातु सलाना, हमने कहा और तो कुछ नहीं, आंख कान तो फूटे ही जा, हम भी इतने बदमाश, हमने शीशा ही नहीं खोला। दो बार हमने ट्राई किया शीशा का, एक भाई साहब चढ़ गए गुरु जी, अरे हमने कही काम बिल्ला के सब भीतर आ गए, बाहर जा आपत हो जाए, अरे बोले गुरु जी सेल्फी सेल्फी सेल्फी, अरे हम कही खा ले प्राण तो सेल्फी की पड़ी, हमें प्राण नहीं की पड़ी। बड़ी मुश्किल से वो माना पे बोला तो गुरुजी पे फोटो खिंचवा लियो, अरे हम कही हम अपने बाप की कसम खा रहे हैं, हम तुम्हें बाद में खिंचवा, अभी पिंड छोड़ दो। लेकिन धन्य है यहाँ की पुलिस प्रशासन, एक बार ताली बजा करके धन्यवाद जरूर दीजिए। पूरी पंजाब पुलिस, हमारे SP महोदय साहब, अभी IG महोदय आए थे, सभी ने आकर के बहुत अद्भुत व्यवस्था की। हमें बहुत दुख हुआ, कई लोग हमारे कारण, हमें आज बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए अब हम कलश यात्रा में जाते नहीं, हमारे कारण कई लोगों को धक्का मुक्की हो जाती है।
माताएं बिचारी फूल में माला, हाथ में माला फूल के लिए खड़ी रहती, उन तक हम पहुंच नहीं पाते और भीड़ भाड़ के कारण मजबूरी हो जाती, हम भी नहीं पहुंच पाते। आज हमें बड़ा आत्मीय कष्ट हो रहा था कि राम 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 राम, बताओ कितनी श्रद्धा है। और हम नज़दीक तक माताओं के लिए माताएं फूल लिए बढ़िया हाथ में, कोई पानी का गिलास लिए, कोई छोटे छोटे युवान बच्चे हमें Thank you.
हंस राम कृष्ण स्वामी की। जब वो चलते थे तो चार शिष्य आगे चार शिष्य पीछे। किसी ने कहा कि ये चेलों को लेकर के आगे पीछे क्यों चलते हो? रामकृष्ण परमहंस बोले हमें पता नहीं है। शिष्यों से पूछा आप आगे पीछे महात्मा की क्यों चलते हो, क्या दिक्कत है? अरे बोले भैया कोई धोखे से मां ना कहे। क्यों? बोले अगर रामकृष्ण परमहंस के कान में मां शब्द सुनाई देता था तो रामकृष्ण परमहंस पागल हो जाते थे। शरीर क्रोध डालते थे, बालों को उखाड़ लेते थे, जमीन क्रोध देते थे, मां 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 कह करके। तब भगवती का हृदय पिघल जाता था और देवी भद्रकाली प्रकट होकर के अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराती। माई बा, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे क्या? नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। भगवती के नाम अनेक हैं, लेकिन अगर कोई पाना चाहे तो मेरे प्यारे पागलों एक ही उपाय है, क्या? आप भगवती के शरणागत हो जाओ। एक बात और बोले, जो करोगे सो पाओगे। आप सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा। कई लोग ऐसे भी काम करते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा। ये तुम्हारी भूल है कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा। अरे परमात्मा हर पल नजर हमारे आपके सबके ऊपर बनाए हुए हैं। राम जी की 56 नजर है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते सवही न चावत राम गोसाई बंधो की। तुलसीदास जी कहते सबको राम जी नचा रहे, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब नाच रहे हैं, राम जी के नचाए हुए बंदर नाच रहे हैं। हम आप जो करेंगे वो हमको भोगना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। अच्छा एक ऐसे समझो, कोई आदमी पैदल चला जा रहा था, पठानकोट का चंगीलाल पैदल जा रहा था, कहां? कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ। रास्ते में आम का बाग मिला, आम का बाग देख करके आदमी बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन आम का बाग देखा किसने? और जल्दी आंखों ने, आंखों ने मैसेज किया माइंड को, भैया बहुत गजब के आम लगे हैं, दशहरी आम है, चलो खब जाए। अब आंखों ने कहा चलो खब जाए, सोई पांव चलने लगे बाग की तरफ। अच्छा देखा आंखों ने, चले पांव, और पांव चल करके जब गए बाग में तो आंखें बोली देखो क्या गजब का आम है, क्या गजब का बाग है। तो पांव बोले अब हम बाग तो आ गए हैं, लेकिन हाथों ने कहा चलो तोड़ लिए जाए। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। अब तोड़ने वाले ने भी खाया नहीं, तोड़ने वाले ने भी खाया नहीं, खाया किसने? मुंह ने। लेकिन मुंह ने भी खाया तो रखा नहीं, रखा किसने? बोले पेट ने। बोले देखा किसने? आंखों ने। चला कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? मुंह ने। रखा किसने? बोले पेट ने। लेकिन इतने में माली आ गया, घरी मांस बिचारी पिट गई पीठ। अब बताओ पीठ का कोई लेना देना है इस कहानी? बोलो बोलो बोलो, पीठ का कोई लेना देना है? देखा किसने? बोलो बोलो। अच्छा चले कौन? तोड़ा किसने? अच्छा खाया किसने? रखा किसने? पर पिटी? लेकिन रखा, पिटी जरूर पीट, लेकिन जब सुटाई ज्यादा हो गई सो रोई फिर आंखें। रोया कौन? आंखें। बोले क्यों? बोले जिसने देखा था वही तो रोएगा। इसलिए मेरे पागलों पंजाब के लोगों हम यही कहना चाहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसीलिए आपको और हमको करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल जा। माई बाप हमारे
भागवत के आचार्य महापुरुष कहते हैं, जो भी कर्म करो बड़ी सावधानी पूर्वक करो, गंभीरता पूर्वक करो। आप क्या बोल रहे सावधानी रखिएगा, आप क्या कर रहे सावधानी रखिएगा। क्यों? हमें लगता है कि दुनिया के लोग हमें देख नहीं पा रहे हो, काम हो रहा है ठटरी के बने। ना ना ना, देखने वाला कोई देख रहा? कौन देख रहा है भैया? अच्छा, राम जी देख रहे हैं, हमारी भगवती माता देख रही हैं। इसलिए मेरे पागलों, जो भी साधक कर्म बड़ी सावधानी पूर्वक करता है और भक्ति करता है, पर परांबा जगदम्मा आदि शक्ति माता की शरण में आता है, उसी बालक को, साधक को भगवती उठा करके अपने चरणों में सदा सदा के लिए बैठा लेती है।